नमस्कार दोस्तों, क्यूट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का इंजीनियरिंग मोड किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इंजीनियर मोड का यूज़ क्या है? तो इंजीनियर मोड का यूज़ ये होता है कि जैसे बहुत से एंड्रॉयड यूज़र होते हैं जिनका ये प्रॉब्लम होता है कि उनका साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत लो है। जो आउटपुट साउंड साउंड आता है तो उसका क्वालिटी बहुत लो है, तो इंजीनियर मोड के थ्रू हम उसको बढ़ा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं आपका मल्टी टच स्क्रीन है, कितना मल्टी टच है, कितने टच वो एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद है ब्लूटूथ, वाईफाई, रैम, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। तो मैं आज आपको वो सब बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल के वीडियो के यहाँ पे आपको नीचे दिया होगा तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के ऊपर भी आपको सब्सक्राइब दिया हुआ है तो आप उसको क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वैसे भी क्या आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको डेली एंड्रॉयड की ट्रिक्स हैं और कंप्यूटर रिलेटेड जो भी ट्रिक्स हैं वो आपको देते हैं, और बहुत सारे ट्रिक्स आपको हम शेयर करते हैं, तो आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं और आपको बता देता हूँ कि आप इंजीनियर मोड किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आपको अपने फ़ोन के डायल में जाना होगा, उसके बाद आपको टाइप करना है *2012*1220#। जैसे ही आप ये डायल करेंगे कि आपका ये इंजीनियर मोड खुल गया है। वैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो ये कोड आपको मैंने अभी बताया था तो वो बहुत से जो मोबाइल के लिए अलग होता है, जैसे कि सैमसंग के लिए होगा तो वो अलग होगा, माइक्रोमैक्स के लिए होगा तो वो अलग होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस गूगल करना है, अपना मोबाइल का सीरीज आपको वहाँ पे गूगल करना है, तो आपको वो इंजीनियरिंग मोड नंबर आपको मिल जाएगा और वो आपको सेम प्रोसेस से आपको वो डायल में जाके टाइप करना होगा। तो जैसे आपका ये पैनल खुल जाएगा, इसके बाद इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि वर्जन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपका पूरा सीरीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद है OTA अपडेट है, रन मोड है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं जो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं MTK इंजीनियरिंग मोड में, जिसमें यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए कि आप अपना फ़ोन ऑटो कॉल ऑटो आंसर पर रख सकते हैं, एंटीना इन्फॉर्मेशन दी गई है, बैंड कौन सा यूज़ हो रहा है वो दिया गया है, मॉडेम टेस्टिंग है, GPS है, डेटा सर्विस प्रोवाइडर वगैरह, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का साउंड किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हार्डवेयर टेस्टिंग में जाना होगा, जिसमें ऑडियो पे आपको क्लिक करना होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे नॉर्मल मोड है, हैंडसेट मोड है, लाउड स्पीकर मोड है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको लाउड स्पीकर का अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप लाउड स्पीकर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये पैनल खुल जाएगा, ऑडियो मोड सेटिंग खुल जाएगी। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम इज 0 to 255 दी गई है और मैक्स वॉल्यूम दी गई 0 to 160। आपकी मैक्स वैल्यू जो है 160 दी गई है, तो आपको बस क्या करना है कि ये 128 को 160 मैक्स वैल्यू पे आपको उसको सेट कर देना होगा। जैसे आप उसको सेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि सेट ऑडियो वॉल्यूम सक्सेसफुल है, ठीक है, तो आपकी वो वॉल्यूम सेट हो गई है। अब इसके बाद अगर आप कभी भी ट्राई करेंगे, जैसे आप अपने मोबाइल में अगर म्यूज़िक बजाते हैं तो उसके बाद अगर आप अपना फुल वॉल्यूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वॉल्यूम बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह से आप हैंडसेट मोड में भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी वैल्यू चाहिए वहाँ पे आप लिमिट डाल सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल मोड में भी आप चेंज कर सकते हैं, आपको जो वहाँ पे वैल्यू चाहिए आप डाल सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो तो आप, मैं चाहूँगा कि आप इसको सेटिंग चेंज ना करें, या फिर एक काम करें कि आप जब भी कुछ सेटिंग चेंज करने वाले होते हैं तो उससे पहले आप एक काम किया कर दीजिए कि आप वो जो सेटिंग का जो वैल्यू है वहाँ पे वो आप लिख के रख दीजिए, नहीं तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है कि आपको आपका प्लस बटन, वॉल्यूम प्लस बटन और पावर बटन साइमल्टेनियसली दबाना होगा, जिससे आपका वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो बस ये आप ये जो है इन्फॉर्मेशन, जैसे लाउड स्पीकर मोड हमने बढ़ा दिया है तो 160 मैंने डाल दिया, तो आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। वैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं, वापस आप अगर बैक पे आते हैं तो इसमें लोकेशन का सेटिंग है, उसमें लॉग इन डबगिंग है पूरा, उसके बाद अदर सेटिंग्स भी इसमें दी गई है, जिसे आप फॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसमें ऑडियो में है, कैमरा सेटिंग है, ड्राइव है, इसमें डिस्प्ले के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद मेमोरी है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। अगर आपको अपने मोबाइल के सेंसर्स चेक करने हैं तो कितने सेंसर्स हैं, क्या क्या सेंसर्स हैं,
तो आप चेक कर सकते हैं। एम सेंसर यहाँ पे दिया गया है, तो एम ग्रेविटी सेंसर आपको दी गई, तो इसका पूरी इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद लाइट है, अप्रॉक्सीमेटी सेंसर्स है, तो यहाँ पे पूरे सेंसर्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद अगर आपको टच, आपका टच पैनल देखना है कि आपका कितना मल्टी टच यहाँ पे वर्क करता है, तो आप पैनल पे मल्टी टच पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप टच कीजिए स्क्रीन पे कि कितना टच वो ले रहा है, तो अभी ये यहाँ पे 5 टच ले रहा है टोटली, तो आपका 5 टच मल्टी स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से आप उसके अंदर पूरी चेंज कर सकते हैं या फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है। तो यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि हर इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल की यहाँ पे दी गई है, तो आप ये सब सेटिंग चेक करके आप अपना फ़ोन को अभी जो भी आपको चेंज करना है वो यहाँ पे से आप चेंज कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अगर इसके बारे में नॉलेज ना हो तो बेटर रहेगा कि आप उसको चेंज ना करें। जैसे कि मैंने साउंड का आपको बता दिया, तो वो सक्सेसफुली होता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो आपका साउंड क्वालिटी और वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो आप बस कमेंट कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आपको हम बता देंगे कि कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो हम उसको आपकी हेल्प कर देंगे। तो दोस्तों देखते रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर रेट और कमेंट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यहाँ पे लाइक बटन दिया गया है तो आप उसको लाइक कर दीजिए। और अगर आपको आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं एंड्रॉइड रिलेटेड और कंप्यूटर रिलेटेड, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी हम आपको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।